गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जूहिशा, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस फोर्थ क्लास। आपका जो ईवीएस में 14 चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड कर लिया था डायरेक्शन क्या है, कैसे हमें चीज़ों को पता चलेगा, कैसे हमें जगहों का पता चलेगा लैंडमार्क के थ्रू। जगह जगह पैनल वगैरह लगे रहते हैं, पता रहता है हमें, और डायरेक्शन के थ्रू। तो नेक्स्ट है आपका स्केल जो है आपका जो है ये मैप पे होता है, शो करता है आपके मैप पे हमेशा ये स्केल होता है। इट टेल्स यू हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ये आपको मदद करता है कि दो जगह के डिस्टेंस के बारे में फाइंड करते हैं, बताते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना कवर कर रहा है ये डिस्टेंस। ठीक है, एज द मैप्स आर नॉट द एक्चुअल साइज़। आप सभी को पता है कि मैप जो है एक्चुअल साइज़ का नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। दे आर ड्रॉन ऑन अ स्मॉल पेपर, एक स्मॉल पेपर पर ड्रॉ किया जाता है मैप को। द स्केल में इंडिकेट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप दैट इज़ एक्चुअली 100 किलोमीटर। जो आपके स्केल जो मैप पे जो स्केल शो कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर, मैप पे जो 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है वो एक्चुअली में क्या होता है कि 100 किलोमीटर होता है, पता चलता है। जैसे कि कोई प्लेस है आपको शो कर रहा है इसके मैप में कि 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है डिस्टेंस, पर एक्चुअली में वो होता है 100 मीटर, 100 किलोमीटर आपको कवर करना है वो रास्ता जो है। सो इफ़ यू ऑन अ मैप हैविंग द अबव स्केल यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड देहरादून एज 2.4 सेंटीमीटर। वहाँ पे आप देख सकते हो स्केल में चारों साइड से आपका, सॉरी, मैप में चारों साइड आपका जो स्केल है नंबरिंग दी होती है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके नंबरिंग है आपका। तो आप देख सकते हो कि मैप में आपका जो दिल्ली और देहरादून का हम अगर डिस्टेंस देखें तो 2.4 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो उसको इनफैक्ट उसका क्या होता है किलोमीटर में, क्या होता है 240 किलोमीटर है। ठीक है, 240 किलोमीटर वो जो है इतना डिस्टेंस है दिल्ली और देहरादून का। समझ में आ गया स्केल क्या है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन आप सभी को पता है चार डायरेक्शन होते हैं आपके, कौन कौन से 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा इस डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ कहाँ है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। मैप जो है आपका, आप एक काम करिए अपने मैप को दीवार पे हैंग कर दो और उस मैप को देखो, आपका जो फेस है देख रहा है, मतलब फेस के साइड से आप देख रहे हो ना, तो उस जब आप खड़े होकर मैप को जब देख रहे होते हो तो उस टाइम आपका जो हेड है, उस समय जो आपका जो हेड है, हेड वाला जो पार्ट आप देखोगे मैप में वो नॉर्थ वाला होता है, और जो आपका नीचे वाला जो डाउन वाला पार्ट है वो साउथ है, और आपका जो राइट वाला जो पार्ट जाएगा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैप में देखोगे राइट तो वो आपका ईस्ट आ जाएगा, और वेस्ट वाला जो आपका लेफ्ट आ जाएगा। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, जैसे कि बुक में आपको यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दे रखा है एरो करके, तो इसमें आप खुद ही देख सकते हो। जब आप देख रहे होते हो उसको तो उस टाइम आपको जो हेड वाला जो है पार्ट वो नॉर्थ बता रहा है, और साउथ वाला जो नीचे वाला पार्ट है, और आपका राइट हैंड जो ईस्ट की साइड है, लेफ्ट जो है वेस्ट की साइड है। ये डायरेक्शन ईजिली आपको पता लग गया। और जब इसमें इन दोनों के बीच में पीच कलर में आपको ये जो एरो दिखा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये आपका क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पार्ट अगर बताना होता है, कि कहते हैं कि जैसे कि आपका ले लो नेपाल हो गया या बिहार हो गया या ये सब प्लेसेस ले लेते हैं, तो कहते हैं कौन से डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और ईस्ट की नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब साइड हो जाता है जैसे कि बीच में, नॉर्थ और ईस्ट की इधर आप इसमें देख सकते हो। तो इस तरीके से ये बताते हैं मैप जो है हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। इसमें यही बता रखा है कि इफ़ यू लुकिंग एट हैंगिंग मैप, आप जब हैंगिंग मैप को देखते हो, योर हेड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, योर फीट टुवर्ड्स द साउथ। नाउ इफ़ यू स्ट्रेच योर हैंड्स, अपने हाथों को आप स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो देखोगे राइट जो आपका ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट जो है आपका वेस्ट की तरफ है। तो यही इसमें भी आपको ये बताया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी की एक्सरसाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्केच। स्केच आपका वो रफ ड्रॉ किया हुआ रफ एक पेपर पे होता है कि प्लेसेस के बारे में रफ ड्राइंग होती है, जो आपको बताया जाता है कौन सा प्लेस किधर है। व्हाट इज़ अ मैप, मैप आपका वो चीज़ है जहाँ आपको डिस्टेंस बताते हैं कि किस में
मैप में आपको डिस्टेंस बताया जाता है कि कितने डिस्टेंस पे क्या है और एरिया वगैरह कहाँ है आपका, कौन सी जगह कहाँ है, प्लेस, कंट्री, आपकी सिटी, ये सब मैप में शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्केल ऑन अ मैप। अभी मैंने बताया था स्केल का यूज़ क्या है। स्केल का यूज़ है कि आपको डिस्टेंस बताया जाता है इसमें कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितने डिस्टेंस तक हमें ये एरिया जाना है, कवर करना है। जैसे कि अब बताया था मैंने कि दिल्ली और देहरादून का है, जैसे 240 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिम्बल्स, सिम्बल्स का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, आपको बताया जाता है कि कौन सा एरिया कौन सी जगह पर लोकेट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस आपको, ठीक है, वो ये सिम्बल होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ स्केच और प्लेन। स्केच और प्लेन में क्या डिफरेंस है, स्केच आपका एक रफ ड्राइंग होता है नॉर्मली जो ड्रॉ होता है, जैसे कि यहाँ टेम्पल, नॉर्मली एकदम रफ ड्राइंग होता है, ठीक है, जो आपको लोकेट किया जाता है एरिया। और प्लेस जो वो प्लेन जो होता है आपका जो ऊपर से शो किया हुआ मैप का, जो ऊपर से आप जब देखते हो अपने एरिया को, ठीक है, जैसे मान के चलो मैप में आपका टॉप वाला ही व्यू दिखता है, नीचे वाला व्यू तो नहीं दिखता है मैप में, ऊपर वाला ही व्यू दिखता है, तो वो जो एरिया जो शो होता है तो एकदम प्लेन ऊपर से हम देखेंगे तो ये एरिया को, अपने सिटीज़ को, तो वो एकदम प्लेन दिखेगा, उस अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन, कैसे आप डायरेक्शन फाइंड करोगे, किसके थ्रू, आपके पास चार डायरेक्शन है उसके थ्रू फाइंड करोगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, की तरह इनके थ्रू आप डायरेक्शन फाइंड करोगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, अ स्केच इज़ अ रफ मैप ऑफ अ प्लेस, रफ आएगा इसमें। नेक्स्ट है अ स्केल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑन अ मैप, वो जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है मैप पे। नेक्स्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू नो द डिस्टेंस ऑन अ मैप, कौन सा इनमें से हमें डिस्टेंस बताता है मैप में। लेजेंड तो नहीं हो सकता, स्केल होगा तो स्केल पे हम टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स योर फीट व्हाइल ऑब्जर्विंग अ मैप, आपकी अब जब आप मैप को ऑब्जर्व करते हो, मैंने बताया था, तो आपका जो फीट है नीचे वाला पार्ट है तो वो कौन सा डायरेक्शन आएगा, वो साउथ डायरेक्शन आएगा, तो साउथ पे हम टिक करेंगे। अच्छे से सभी एक्सरसाइज को देख लेना और साथ ही साथ चैप्टर को अच्छे से रीड करना, जो भी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर्स है, फिलअप्स हैं, ये अपनी नोटबुक में करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी।